एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी शिप्रा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोग देख रहे होंगे मैं ये प्लांट्स और प्लांटर लेके क्यों बैठी हूँ। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ DIY प्लांटर, जो कि ये देखिए मैंने खुद बनाया है और ये बहुत ही ईजीली बन जाता है घर में। और ये मैंने बिस्लैरी की बॉटल से बनाया है, 5 लीटर की जो बिस्लैरी की बॉटल आती है उसी से मैंने बनाया है। काफ़ी दिनों से वो बॉटल मैंने रख रखी थी मेरे पास और मैं सोची थी मुझे इसका प्लांटर बनाना है, तो फाइनली आज मैंने इसका प्लांटर बना लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर भी लग रहा है ये प्लांटर, तो और इसमें मैंने प्लांट्स भी लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताती हूँ ये प्लांटर मैंने कैसे बनाया है। इस तरीके से आप भी जीरो कॉस्ट पर घर पर वेस्ट पड़े रखे सामान से सुंदर सुंदर प्लांटर्स बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी बिस्लेरी की 5 लीटर वाली बॉटल और इसे मैंने काफ़ी टाइम से रख रखा था क्योंकि मुझे इसका प्लांटर बनाना था। तो ये देखिए इस तरीके की बॉटल है ये, और ये क्लीन ही थी क्योंकि वाटर बॉटल है। तो यहाँ पर जो है इसे कट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, गरम चाकू करके इसे कट करना है। और फ्रेंड्स अगर आप ये काम करें तो बहुत ही सावधानी से कीजिएगा क्योंकि इसमें चोट लगने का डर भी रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया, इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो हटा दिया है और बस ये हमारा प्लांटर बन जाएगा। और इसमें मैं करूँगी कलर, और मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ऑयल पेंट यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर यूज़ किया है और मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से इसको कर रही हूँ। आप कोई से भी मन चाहे कलर से इसे कलर कर सकते हैं। ब्लैक मैंने इसलिए लिया क्योंकि ब्लैक मोस्टली अगर आप जब भी ऐसा कोई प्लांटर बनाए ट्रांसपेरेंट बॉटल पर तो उसमें डार्क कलर का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें क्या है अगर हम लाइट कलर यूज़ करते हैं ना तो बॉटल में अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाती है, 2 या 3 कोट हमें करना पड़ता है। अगर हम डार्क कलर लेते हैं ना तो एक ही कोट में मतलब बात बन जाती है। तो ये देखिए मैंने एक ही बार बस इसमें कलर किया है, ना ही मुझे अंदर की तरफ इसमें कलर करने की ज़रूरत पड़ी और ना ही मुझे डबल कोटिंग करनी पड़ी। तो ये देखिए हमारा जो प्लांटर है उसमें मैंने अच्छे से कलर कर लिया है और अब इसमें मैं थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करूँगी, ज़्यादा डिज़ाइनिंग मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ पर बस ईयरबड की हेल्प से मैं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग इसमें कर रही हूँ। आप चाहे तो ओनली पोलका डॉट्स भी इसमें कर सकते हैं, चाहे तो छोटे छोटे डॉट्स के थ्रू डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बस मैंने वही ईयरबड ले लिया था और ब्लैक कलर में रेड और वाइट अच्छा लगता है, कलर उभर के आता है, इस वजह से मैंने रेड एंड वाइट कलर की डिज़ाइनिंग इसमें की है। वाइट कलर मेरे पास थोड़ा सा कम था, अदरवाइज़ अगर आप ओनली वाइट से भी डिज़ाइनिंग करें ना तो बहुत सुंदर लगेगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से डिज़ाइनिंग दे दी है। इसी तरीके से मैं पूरे प्लांटर में ब्रश और ईयरबड की सहायता से जो है डिज़ाइनिंग कर दूंगी और हमारा जो प्लांटर है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैं एक 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 गैप छोड़ के इसमें कर रही हूँ क्योंकि पास पास कर देंगे ना तो प्लांटर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो दूर दूर ही डिज़ाइन मैंने इसमें बनाई है। तो ये देखिए मैंने हल्की फुल्की सी डिज़ाइन भी यहाँ पर बना दी है और इसी तरीके से मैं पूरा प्लांटर कर दूंगी कवर। और आप इसी तरीके से आपके पास अगर छोटी बॉटल्स हो तो उनसे भी छोटे छोटे प्लांटर्स बना सकते हैं, छोटे प्लांट्स आते हैं ना उनके लिए छोटे प्लांटर्स भी हम बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें मैंने ना ड्रेनेज के लिए नीचे ना होल भी कर दिया था, उसकी वीडियो मैं नहीं ले पाई थी, और अब साइड्स में भी मैं इसमें पोलका डॉट्स बना दूंगी तो ये जो प्लांटर है अच्छे से पूरा कवर हो जाएगा और काफ़ी सुंदर भी लगेगा। और बैक साइड में मैंने किसी तरीके की कोई भी डिज़ाइन नहीं की है।
और अगर आप इसे हैंगिंग प्लांटर बनाना चाहें तो साइड्स में आप होल करके और इसमें डोरी लगा के इसे हैंगिंग प्लांटर भी बना सकते हैं। अगर आप हैंगिंग प्लांटर बनाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं हैंगिंग प्लांटर्स भी। तो ये देखिए यहाँ पर प्लांटर बनकर रेडी हो गया है और मैंने यहाँ पर इसमें मिट्टी भी डाल दी है प्लांटर में और अब मैं इसमें पौधे लगा रही हूँ। और ये जो पौधा है मेरे पास ऑलरेडी लगा हुआ है और ये डाली से ही लग जाता है, वही पौधा मैंने इसमें लगा दिया है। और अब इसमें बस थोड़ा सा पानी दे देंगे और तो देखिए हमारा जो प्लांटर है वो बनकर रेडी हो चुका है, जीरो कॉस्ट में बनकर रेडी हुआ है। अभी आपको मैं करीब से भी दिखा दूंगी। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, और लग ही नहीं रहा ना कि ये हमने उससे बिस्लेरी की बॉटल से घर में रखी जो बॉटल थी उसी से बना लिया है। और वैसे उसका कोई भी काम नहीं था, बस वो जगह घेर रही थी। तो ये देखिए सुंदर सा प्लांटर बन गया। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा और किसी तरीके का कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।